नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। कह की रिकॉर्ड में जो आंकड़े सामने आए हैं, जो आंकड़े दिए गए हैं, उसने विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और नया मौका दे दिया है। कैग ने कई विभाग में अनियमितताओं की बात कही है और कई विभागों में घाटे को उजागर किया है। मतलब साफ है कि सरकार का सच से सामना हुआ है। पहले इस रिपोर्ट में देख लीजिए कि कैग की रिपोर्ट में क्या कुछ है, उसके बाद चर्चा करेंगे। कैग की रिपोर्ट ने हरियाणा सरकार के दावों की हवा निकाल दी है। रिपोर्ट में हरियाणा के सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली और योजनाओं पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अलग अलग परियोजनाओं को पूरा करने में देरी और करों की उगाही में लापरवाही से सरकारी खजाने को भारी चपत लगी है। कई कल्याणकारी योजनाओं में खानापूर्ति के चलते अपेक्षित नतीजे हासिल नहीं हो सके। अगर विभागों के हिसाब से देखें तो हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के तहत जुटाए गए 2483 करोड़ रुपए समेकित निधि में जमा नहीं कराए गए। सरकार की कमाई का 83% हिस्सा कर्मचारियों की तनख्वाह, मजदूरी, ब्याज, पेंशन और अनुदान पर खर्च हो गया, जो निर्धारित मानकों से कहीं अधिक है। सामान्य सेवाओं पर कम खर्च की वजह से पूंजीगत खर्च 45.23 करोड़ रुपए कम हो गया। 14वें वित्त आयोग के मानकों की अनदेखी हुई। सिर्फ ब्याज में ही देने पड़ गए 10,542 करोड़ रुपए। कर वसूली में लापरवाही से 1701 करोड़ रुपए की चपत लगी। अकेले वैट की कम वसूली से ही 518 करोड़ रुपए की चपत सरकार को लगी। जमीन पर स्टाम्प शुल्क के निर्धारण में फर्जीवाड़े से 66.69 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सरकारी कंपनियों ने 5,725 करोड़ रुपए का घाटा सरकार को दिया। 5 सरकारी उपक्रमों ने 1987 के बाद से अपने लेखे ही तैयार नहीं किए, जबकि इनमें सरकार ने करीब 7,429 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बगैर HERC से मंजूरी लिए मीटर पिलर बॉक्स स्कीम लागू कर दी। एक फर्म को ही प्रोजेक्ट का 65% काम सौंप दिया गया। प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल रहा और कुल माल का 34% ही परियोजनाओं में इस्तेमाल हो सका। स्वच्छता अभियान में खानापूर्ति मात्र हुई। 12 शहरों में अस्वच्छ शौचालयों की पहचान नहीं की गई, जबकि 23 शहरों में सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण नहीं हो पाया। 2571 लोगों को बगैर पड़ताल किए शौचालय बनाने के लिए पैसा आवंटित कर दिया गया। PWD के 14 प्रोजेक्ट अधूरे हैं, जो मई 2014 से मार्च 2017 तक पूरे हो जाने चाहिए थे। कई परियोजनाओं को पूरा करने में अत्यधिक समय लगने से लागत में खासा इजाफा हुआ। मदवी में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए शैक्षिक योजना बोर्ड का गठन नहीं किया गया। 92 अनुसंधान प्रोजेक्टों में से 37 ही पूरे हो पाए। अगर अलग अलग विभागों और योजनाओं का हाल देखा जाए तो हालत उसकी भी खस्ता है। कृषि विपणन बोर्ड की बात करें तो यहां 38 मार्केट कमेटियों में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। अधिवेश निधि को सावधि जमा में रखने के बजाय बचत बैंक खाते में रखने से 6 करोड़ के ब्याज का नुकसान हुआ। विभिन्न मदों में 126 करोड़ रुपए की वसूली अभी भी बकाया है। PGI रोहतक की बात की जाए तो मास्टर योजना और वार्षिक योजनाएं नहीं बनाई गयी। उपकरणों की खरीद में देरी से स्वास्थ्य सेवाएं चौपट हुई। 52 करोड़ की लागत से निर्मित ट्रामा सेंटरों का कोई उपयोग नहीं। अगर बात बच्चों को मुफ्त शिक्षा की करें तो पात्र बच्चों की पहचान के लिए घरेलू सर्वेक्षण नहीं हुआ, केवल आकलन पर गणना हुई। स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती। पाठ्य पुस्तकें, वर्दी, बस्ते और लेखन सामग्री देने में देरी हुई। अधिनियम का उल्लंघन कर चल रहे 821 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल। सिंचाई तथा जल संसाधन विकास की बात करें तो संबंधित विभागों से समन्वय की कमी इस विभाग में देखी गई। लिफ्ट सिंचाई स्कीम को चालू करने में देरी से 7.87 करोड़ रुपए का खर्च बेकार हुआ। तो सच्चाई आपके सामने है। कैग की रिपोर्ट ने एक बार फिर सरकार को आईना दिखाया है। अब विपक्ष को सवाल करने हैं, सरकार को जवाब देने हैं और जनता को तय करना है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।
तो कैक की रिपोर्ट को पेश कर दिया गया है, उसके बाद सवाल कई उठे हैं और खास बात यह है कि कमोबेश हर एक विभाग पर जिस तरह से काम सरकार कर रही है उसको लेकर सवाल उठे हैं कि विकास की गति धीमी है, सरकारी जो परियोजनाएं पूरी होनी चाहिए थी उनकी गति धीमी है, साथ ही टैक्स को लेकर भी सवाल पूछे गए। तो हम सवाल पूछेंगे एक खास पैनल से, कांग्रेस से हमारे साथ रंजीता मेहता है, कांग्रेस प्रवक्ता है, साथ ही बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ संजय शर्मा रहेंगे इस चर्चा में, इनेलो प्रवक्ता है हमारे साथ रविन्द्र ढुल, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जाधून है और साथ ही डॉक्टर श्याम सखा श्याम राजनीतिक विश्लेषक है। चर्चा में सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे बीजेपी से। शर्मा जी, क्या सच्चाई से सामना करवा दिया गया सरकार का, क्या की रिपोर्ट जो सामने आई जिसमें सवाल उठे? देखिए, निश्चित रूप से जो चीजें सामने आई हैं, अभी मैंने पूरा इसको पढ़ा तो नहीं है कैग की रिपोर्ट को जी, लेकिन जो चीजें सामने आई हैं उनमें कई गंभीर सवाल भी हैं और कई बातें ऐसी भी हैं जो हमें कुछ चीज़ों को और ज़्यादा नज़दीकी से देखने की ज़रूरत है। देखिए, इस कैग रिपोर्ट में अलग अलग विभागों में जो पैसा अलॉट होता है उसको किस तरह से खर्च किया जाए, एक तरह से उसकी अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। और ये जो मुझे लगता है कैग रिपोर्ट है, ये 15-16 की कैग रिपोर्ट है, 16-17 की रिपोर्ट है। तो 16-17 की जो रिपोर्ट दी गई है, आपको पता है कि हमारी सरकार अक्टूबर 2014 के अंदर आई थी, बहुत से मामले इसके अंदर हैं जो मई 2014 के भी जिक्र जिसका किया गया है कि 2014 मई में ऐसे ऐसे अलॉटमेंट की गई, तो उस समय हमारी सरकार दी थी उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर पूरा अध्ययन करके, इस समय तो मैं सारी बातों को नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने पूरा उसको नहीं पढ़ा और किस किस हिसाब से क्या है, लेकिन मैं एक निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार आने के बाद बहुत से विभागों में पैसा जो अलॉट होता है वो ठीक ढंग से खर्च हो और उसका नीचे इम्प्लीमेंटेशन ठीक ढंग से हो और पारदर्शिता उसके अंदर हो, ये सरकार ने एक फूल प्रूफ व्यवस्था खड़ी करने का प्रयास किया है। आप देखोगे कि इस बार का जो बजट था और इससे पहले का जो बजट था 16-17 का, जो 17-18 का जो बजट था, उसमें जो एलोकेशन थी उस एलोकेशन के हिसाब से जो पैसा सरकार ने दिया गया था उससे पहले क्या होता था, लैप्स हो जाता था पैसा, लेकिन पिछले साल का जो पैसा लगा है उसकी जो रिपोर्ट आई है कि बढ़ा करके पैसा देना पड़ा, ना केवल मतलब जितना पैसा अलॉट किया गया था वो लगा, उससे बढ़ाकर भी दिया गया, लेकिन ये बात देखने की है कि उसमें कहां कहां किस तरह की कमियां रही है, उसका हम अध्ययन करेंगे और जहां जहां कमियां होंगी उसको हम ठीक करेंगे। रंजिता मेहता जी, देखिए बहुत हास्यास्पद लगता है कि जब ये कहा जाए कि हमने प्रयास किया था और हमने बढ़ाकर दिया है। अभी आपके सामने बजट को जो सेशन था उसको बहुत देरी नहीं हुई है, ताज़ा बजट सेशन अभी गुजर के चुका है, उसमें साफ क्लियर किया गया है कि कई विभागों का तो जो बजट था 0% यूटिलाइजेशन हो गया है उसकी, और जो आंकड़े एक्चुअल में है वो सबके सामने है कि कितना इन्होंने यूटिलाइज बजट था और कितना उसमें से यूटिलाइज एक्चुअल में हुआ है। जहां तक बात कैग रिपोर्ट की है, आज सच का आईना जो है वो भाजपा के सामने आ गया है, आपने दिखा, आपकी रिपोर्ट दिखा रही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट, कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहां पे अनियमितताएं नहीं हुई है और जिसकी वजह से आम जन को हर्जाना आज भुगतना पड़ा है। आप सबसे इंटरेस्टिंग बात ये देखेंगे कि जब भी बजट सत्र आता है और उसके बाद कैग की अगर रिपोर्ट आनी होती है तो पहले दिन उसके बारे में खुलासा किया जाता है ताकि बाकी के दिनों में उसके ऊपर चर्चा भी की जा सके और अच्छी जो है उसमें से पॉइंट्स निकालकर रिजल्ट भी निकाले जाए। आप देखिए कि कितना स्मार्टनेस किया आज इस बार सरकार ने, क्योंकि पता था कि अपना जो है यहाँ पे बुरा हाल होने वाला है और हर डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है उंगलियां खड़ी हो रही हैं, तो आज लास्ट दिन जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए उस रिपोर्ट के बारे में वहां पर खुलासा किया गया ताकि विपक्ष इस पर सवाल ना कर सके और इनको ना घेर सके। आप ये देखेंगे कि फसल बीमा योजना जो इनकी जो बार बार इसका जिक्र करते हैं कि हमने बंपर हिट किया, हमने फसल बीमा योजना के तहत इतने करोड़ रुपए का हमने मुआवजा दे दिया, आज जो कैग की रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि 67% जो किसान हैं उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, जागरूकता की इतनी कमी रही है इस स्कीम को चलाने के लिए कि लोगों को पता ही नहीं था कि स्कीम को यूटिलाइज कैसे करना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जितना कर्जा अलाउड था इस सरकार को लेने के लिए उससे कहीं ज्यादा जो कर्जा है ऑलरेडी सरकार ले चुकी है और ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है जिसको आज इस कैग की रिपोर्ट में उन्होंने खुलासा किया। लेकर विकास की जो परियोजनाएं हैं उसकी गति को लेकर सवाल किए गए, सवाल सरकार से पूछे जाएंगे कि आप दावे करते हैं विकास के लेकिन उसकी गति कितनी धीमी है, वो अपने आप में बड़ा सवाल। जो तो बिल्कुल ठीक बात है और बड़े दुख की बात है, इस तरह की चीजों के ऊपर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। जैसा रंजीता बहन ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि कैग की रिपोर्ट का जो है बजट सत्र के आखिरी दिन आने का कोई मतलब नहीं है, आप उसको दूसरे दिन टेबल कीजिए, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अगले दिन टेबल कीजिए ताकि उसी सत्र में उसकी चर्चा भी उसके। और ये भी पेश तब की गई है जब मंगलवार को कांग्रेस की ओर से मांग की गई कि आप कैग
की रिपोर्ट पेश की जी, बजट सेशन में, उसके बाद बुधवार को पेश की जाए, बजट सेशन के अंदर जो है वे शुरुआत में करनी चाहिए ताकि उसके ऊपर चर्चा हो सके। लेकिन जो बड़ी गंभीर चीजें जिस तरह कैग ने उठाई है, उनमें से एक जो बड़ा गंभीर प्रश्न है वो यह है कि सरकार के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ब्याज को चुकाने में जा रहा है। ये एक गंभीर चीज है। हम बजट की यदि टोटल ओवरऑल एलोकेशन को देखेंगे ज्योति, तो आपको पता लगेगा कि पिछली बार से जो है 2% बड़ा है हमारे यहाँ का बजट का जो ब्याज के अंदर जाना है। इसका मतलब कि हमारा जो इतना हमारे बजट बढ़कर के 1,15,000 करोड़ पे पहुंचा है, उसका लगभग 14% जो है केवल और केवल उसके बजट जो है आपकी ब्याज जो लिया है ब्याज की पेमेंट के ऊपर जा रहा है। पिछली बार ही उससे पहले ही से कम था, लगभग 11.5% था। तो 2.5% का इंक्रीज केवल एक साल के अंदर, ये कहीं ना कहीं गंभीर प्रश्न इसके ऊपर खड़ा करता है सरकार के ऊपर। और इसी प्रकार से इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने, क्योंकि हमारे पास में वही 100 रुपया है, 100 रुपये में से 1 रुपया कहीं देना है, 2 रुपये कहीं देना है, तो 100 रुपये में से बजट में से ब्याज की एलोकेशन इन्होंने बढ़ाने के लिए शिक्षा जैसी बेसिक चीजों के ऊपर से 1.5% घटा दिया है इन्होंने। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो गंभीर प्रश्न खड़ा करती हैं और इसके ऊपर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और कैग की रिपोर्ट, जैसा कि हमें पता है कि भी पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास भी जाएगी, वहां पर भी सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। लेकिन हमारी मांग यह है कि ये नया जो साल शुरू होगा, कम से कम उसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन रहे विपक्ष से रखें, ताकि वो वहां पर जो है बैठ करके हम अकाउंटेबिलिटी उसकी तय कर सके। श्याम जी, कैसे समझा जाए इस पूरी रिपोर्ट? दो बातें हैं, एक तो कैग ने जो ये रिपोर्ट दी है इस पर बात है, और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कैग ओवरलुक कर गया है या उसके पास इतने साधन नहीं थे कि उन सबको देखता। सबसे पहले तो डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी ने काम ने बढ़ा के दिया, संजय शर्मा जी ने, तो मैं वो बता दूं कि बढ़ा के कैग ने साफ कहा है कि बहुत सारे ठेकेदारों को वो जो काम यानी कि पैसा उनका नहीं दिया गया, हाँ, उसका ब्याज भी दिया गया। अब ये कितनी बुरी बात है कि सरकार पैसा ना दे और उसका ब्याज दे। और दूसरी बात जो है, जो सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ कही है, उन्होंने कहा कि सिंगल टेंडर बेसिस पर जो है ठेके दिए गए, एंड दे आर इन एवरी, जितने उन्होंने पॉइंट दिए हैं उनमें से 3 को छोड़ के हर एक में यही है। कुछ तो कंपनियों के नाम दिए उन्होंने, जैसे शिव कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम दिया, ईश्वर मेटल इंडस्ट्रीज का नाम दिया, इनको इतने सारे ठेके दिए गए, वो भी सिंगल टेंडर पर, जो और लोग पैनल के थे उनको कंसीडर ही नहीं किया गया। तो ये बहुत तगड़ा खतरनाक चीज है कि इस तरीके की जो चीज अगर की जाएगी तो बहुत बड़ी होगी। दूसरा, मैंने बताया कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ओवरलुक की गई। अब खर्च घर में भी करते हैं तो पहले असेंशियल चीज पे करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि देखिए, आज के दिन जो समारोह है, जैसे ये 50वें जो स्वर्ण जयंती, उसको 1 साल चलाने की क्या जरूरत थी? वो जनता के विकास पर खर्च होता। इसी तरीके से चाहे वो सरस्वती से 1 किलो लीटर पानी नहीं निकला, उस पर कितना खर्चा हो गया। गीता जयंती हर जिले पर करने का क्या मतलब था? और 2-3 चीजें और बताता हूं आपको कि जैसे जाट आरक्षण में जो दुकानें जली थी, अगर उनका ठीक से हिसाब, क्योंकि मेरा अपना हॉस्पिटल जिसकी मैंने मार्केट बना के बेची, 17 दुकानें बिकी जिनमें से 2 बची थी, सारी होगी। मैं बड़ा परेशान था, 2-3 ऐसे गरीब थे जिन्होंने ली थी, इनको उनको 4-4 गुना पैसा दिया गया। अगर उसकी सही इंक्वायरी हो कि भी इनका नुकसान हुआ। इसी तरीके से जो HSIDC के प्लॉट वापस लिए गए, आप ये देखिए कि उन्होंने झूठे पेपर देके प्लॉट लिए, ना केवल प्लॉट के पैसे दिए, उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनाई गई वो भी कई कई गुना पैसे दिए गए। मुझे नहीं समझ में आता कि कैग ने उसको क्यों नहीं उसमें लिया। संजय शर्मा जी बताइए। देखिए, पहले तो जो अभी रंजीता जी ने और ढुल साहब ने एक बात की और इशारा किया कि ये बजट के बाद पेश किया गया, शायद इनको ध्यान में है या नहीं है, कैग कोई सरकार के अंडर काम करने वाली संस्था नहीं है, ये एक संवैधानिक संस्था है जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं, सरकार का कोई कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है। कोई सरकार के कहने से या नए कहने से वो रिपोर्ट नहीं देते, वो उनका अपना नहीं, सुनिए, नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो कैग है ये एक इंडिपेंडेंट संवैधानिक संस्था है, वो अपनी रिपोर्ट अपने हिसाब से देती है। सरकार ने कोई बजट सेशन से पहले प्रस्तुत करना है, बाद में करना, सरकार के कहने से नहीं रुकती हो, उन्होंने जब भी पेश करना होता है वो पेश करते हैं। दूसरी बात, अभी जो शाम सभा
सरकार करती है, नहीं केवल सरकार करती है, मंत्री मंत्री करते हैं, सरकार के मंत्री करते हैं, वो कैग को नहीं करते, वो कैग को नहीं करते, सरकार करती है। कैग की रिपोर्ट के अलावा सभी रिपोर्ट को सरकार केवल करती है। सदन में पेश की जानी थी, सदन में सरकार पेश अलग होती है, जो सदन में पेश किया जाता है वो अलग चीज होती है, कैग की रिपोर्ट नहीं पेश की जाती सदन में। इस बात को आप करेक्ट कर, इससे बड़ा झूठ नहीं है, ये सच है। आपको आप इस बात के बजट सेशन पूरे भारत में हर राज्य केंद्र में डॉक्टर श्याम जी जो बातें कह रहे थे कि जो पैसा सरस्वती नदी के उत्थान पे या गीता जयंती पे खर्च किया, क्या आप नहीं चाहते कि जो भारतीय संस्कृति के मानक हैं उसकी खुशबू पूरे प्रदेश में या देश में नहीं फैलनी चाहिए? क्या गीता का ज्ञान मिलना चाहिए? वो सारी दुनिया में, नहीं बोलता आपको बोलने दे, मैं सुन रहा था, आपकी बात आएगी तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस सरकार ने ढांचागत विकास के लिए नहीं लिया। एक बात को ध्यान में, रंजीता जी वैसा बहस को तो खराब करने वाली बात है ना, आपका जो विषय आएगा तो आप बोलो, मैं बता रहा हूँ। अरे उधार किस लिए लिया गया वो देखिए ना, आपकी सरकार के समय केवल मात्र तनख्वाहें देने के लिए या ऐसे इतना पैसा भी नहीं लगता था आपकी सरकार के समय। 2016-17 में सुनिए, मेरी बात सुनिए, विकास के लिए पैसा लेना कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। अच्छा, लेकिन जो मानक है, देखिए जो मानक है, अरे सुनिए तो सही, खाइए बना रहे हैं, मानक भी बहुत ज्यादा है। संजय शर्मा जी, 2016-17 में पेंशन को लेकर, तनख्वाह को लेकर, सरकारी जो मदद दी जाती है, अनुदान जो दिया जाता है, ब्याज को लेकर 83% खर्च कर दिया गया, जो कि मानकों से बहुत ज्यादा है। मैं ये कह रहा हूं, उसी को लेकर आप कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं। मानक क्या है? पेंशन के लिए, तनख्वाह देने के लिए मानक ये है कि सकल घरेलू उत्पाद जो है वो बढ़ना चाहिए, और जो वित्तीय घाटा है वो 3% से नीचे अगर होगा तभी आप और ब्याज ले सकते हो और पैसा ले सकते हो और उधार ले सकते हो। हमारी सरकार ने, जब कांग्रेस ने छोड़ा था तो 2.8 था, हम उससे नीचे लेकर के 1.32 पे लेकर के आए हैं, और हमारी जो योजना है आगामी साल में वो 0.0 समथिंग पे लाकर 2020 के अंदर उसको 19 में उसको जीरो करने की बात है। ये आंकड़े गलत नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है, एक चीज एक बात आप सब देख सकते हैं। चलो आज एक बार के लिए सुने, एक एक लाइन बीच में ऐड कर दूं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत जो है कैग अपनी रिपोर्ट को राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, जो बजट सेशन में संवैधानिक उनका दायित्व है राज्यपाल का। एक मिनट रुकिए मेरी बात को, संवैधानिक दायित्व है कि राज्यपाल बजट सेशन के दौरान प्रदेश सरकार के अंदर काम नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ, प्रदेश सरकार के अंदर नहीं करता, संवैधानिक संस्था है। आपको क्या लगता है कि राज्यपाल कैसे पेश कर सकते हैं? राज्यपाल जो है कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट के थ्रू पेश करते हैं, राज्यपाल खुद जाकर के नहीं आते विधानसभा में रखने के लिए। ये सरकार के पास में मौजूद थी, आखिरी दिन में रखी गई है पटल पर, इसी बात से हमें आपत्ति है। कांग्रेस ने सवाल किया, पहले दिन पेश हुई थी एक लाइन में भी, इसका जवाब नहीं दिया डॉक्टर साहब ने कि सिंगल टेंडर वालों को क्यों दिए गए 80%। मैं बताता हूँ, देखिए जल्दी जवाब दीजिए, फिर जादव साहब चर्चा में जोड़ें। इस सरकार ने जब से आया, हमने ऑनलाइन टेंडर सिस्टम शुरू किया, बहुत से टेंडर्स ऐसे हुए जो चार चार बार कॉल करने के बावजूद भी एक एक सिंगल सिंगल टेंडर आया। ये पहली बार में किसी को सिंगल टेंडर नहीं किया गया, जो अरे सुनिए तो सही ना, अब अगर कोई विकास के काम के लिए टेंडर किया जाता है ऑनलाइन और उसमें कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करता चार बार में, तो पांचवी बार में क्या करेंगे? नहीं, क्या ये खतरनाक स्थिति नहीं है अगर सिंगल टेंडर भी आते हैं? क्या ये स्थिति खतरनाक है? किसी की दिलचस्पी नहीं टेंडर लेने में। दूसरा पहलू देखिए, इसका पहलू ये है कि इसका मतलब सरकार ने इतनी उसमें सख्ती कर दी है कि ज्यादा लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। ये ऑनलाइन टेंडर है, इसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने किसी बैकडोर दे दिया कांग्रेस की तरह। आप ये बताइए इसके फायदे और नुकसान कितने हैं? अगर ज्यादा लोग जुड़ेंगे नहीं तो इसके फायदे हैं या नुकसान? मैम ये भी गलत है, मैं लाभ पहुंचाने की कोशिश कैब की रिपोर्ट के हवाले से बताता हूं कि ईश्वर चार चार बार टेंडर दिए गए। ईश्वर मेटल इंडस्ट्रीज, ईश्वर मेटल इंडस्ट्रीज जिसको पिछले से पिछले साल 184 वर्क दिए गए थे, जिसमें से उसने सिर्फ 86 पूरे किए थे, नंबर एक। नंबर दो, वो एम पैनल पर है, उस पैनल पर 19 फर्में और हैं,
ज्यादा लोग उसमें टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं किया, कम लोग ही टेंडर ले जाएंगे तो उसके फायदे क्या होंगे ये समझना बेहद मुश्किल है। इसको जस्टिफाई भी कैसे किया जाएगा, इसको जस्टिफाई भी कर रहा हूं कि टेंडर इतना सख्त है, उसकी शर्तें इतनी सख्त हैं कि लोगों को लगता है कि हम इसमें से उस तरह से लाभ नहीं कमा पाएंगे जैसे सरकारों के साथ। 184 में से 86 काम करता है, 100 नहीं करता, उसको दिए जा रहे हैं। बताओ क्या बात हुई, क्या पहला कमेंट? देखिए कैग जो है एक वॉचडॉग है और किसी भी सरकार को विपक्ष को उस आईने में झांकने का काम जरूर करना चाहिए। ये विपक्ष का भी मैंने देखा रवैया ये है कि सरकार तो कैग की रिपोर्ट को छुपाने का प्रयास करती है लेकिन विपक्ष का भी ध्यान कैग की रिपोर्ट पर है नहीं, वो अपने ही कोई मुद्दे लेके बैठे रहते हैं और उस पर वॉकआउट हो रहे हैं और उस पर उनका निलंबन हो रहा है और ऐसी गतिविधियां हो रही हैं। वो कैग की रिपोर्ट संवैधानिक रूप से सदन में पेश करना सरकार की जिम्मेदारी है और गवर्नर को अगर सौंप दी गई तो वो सरकार को ही सौंपी जाती है क्योंकि कार्यपालिका का अध्यक्ष तो गवर्नर ही है और सारा शासन जो है गवर्नर के नाम पर ही चलाया जाता है। लेकिन गवर्नर स्वयं हाथ में लेके नहीं आएगा, उनकी जो एग्जीक्यूटिव है वो गवर्नमेंट है तो उसको ये काम करना चाहिए कि सदन में टाइम से, मैं समझता हूँ कि बजट से पहले ही कैग की रिपोर्ट हाउस में आनी चाहिए ताकि सरकार के पिछले सेशन के कामकाज की समीक्षा ठीक से की जा सके और विपक्ष जो है छोटे पेटी मुद्दों को उठाने की बजाय और उसमें अपनी एनर्जी खराब करने की बजाय कैग की रिपोर्ट पर उनको काम करना चाहिए क्योंकि एक सिस्टमेटिक स्टडी उसमें होती है। अब यह है, कैग ने तो यह भी कहा है कि इस 16-17 के सेशन में जो आक्षेप थे और उससे पहले के सेशन में जितने थे उतने ही आक्षेप 16-17 के सेशन में भी क्रिएट हुए हैं, यानी आपत्तियां उसने दर्ज करवाई हैं। इसका मतलब यह है कि इस बीजेपी सरकार ने भी अपने कामकाज की तरफ कोई सुधार पर ध्यान नहीं दिया। अगर कोई परसेंटेज में, उन्होंने तो ये कहा है, जो महालेखाकार है महुआ पाल ने, उन्होंने ये कहा कि जो 15-16 में थे वही 16-17 में इक्वल है, बराबर आक्षेप लगाए गए हैं तो उसमें सिंगल टेंडर बड़ी बड़ी बात है। लेकिन कैग को अगर ये महसूस होता कि सिंगल टेंडर मजबूरी में किए गए हैं तो उसका मेंशन भी कर सकता था। तो मैं समझता हूं कि कैग की रिपोर्ट मैंने भी फौरी तौर पर देखी है, उसमें कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि सिंगल टेंडर किस मजबूरी में किए गए। और ये एक बहुत सीरियस मैटर है जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है भ्रष्टाचार के प्रति सरकार, उसके लिए ये बहुत ही अलार्मिंग टिप्पणी है कि सिंगल टेंडर और वो कई जगह है, ये मुझे ध्यान नहीं कि कितने हैं और राउंड फिगर में कितने का घोटाला है, तो देखने की बात है पर ये सरासर घोटाला। और किसी भी सरकार को किसी पुराने ढर्रे पर ही चलने की बजाय कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करने के लिए, वैसे तो जनलेखा समिति होती है लेकिन एक ऐसा कोई कमीशन गठित करना चाहिए ताकि उसमें उसको गंभीरता से लिया जाए, कम से कम। ज्योति जी, आपकी रिपोर्ट ने बहुत से खुलासे किए, उसमें मैं कुछ और खुलासे ऐड करना चाहूंगी। कैग की रिपोर्ट के अंदर ये साफ मेंशन किया गया है कि सरकार इतनी अनुभवीहीन है कि इन्होंने बिना किसी तैयारी के ही प्रोजेक्ट्स को ऐसे ही पास कर दिया। आप देखिए कि जो पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत बड़ा उदाहरण है मेट्रो का, मेट्रो के अंदर जो पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर उन्होंने साफ कह दिया, इसे लिख के दिया है सरकार की तरफ से कि अगर आपसे ये सही ढंग से नहीं चलाई जाती है, कोई भी वित्तीय लॉस होता है तो उसका जो हर्जाना है वो सरकार सहन करेगी। अब बताइए, इतनी इंपॉर्टेंट चीज जो है उसको आप, अगर उसका नुकसान होएगा ऑब्वियसली जो प्राइवेट बिल्डर है वो तो आपको नुकसान दिखाएगा, उसका जो फायदा उठाएगा इस लाइन का जो आप उनको लिख के दे रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने गुड़गांव के अंदर एक अम्यूजमेंट पार्क है उसका इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया वहां पर, उसके लिए वहां पर डेवलपमेंट करने के लिए दी। आप ये देखिए कि उस संस्थान ने, जो प्राइवेट पार्टी है, उसने आज तक उसका रेंट भी पे नहीं किया, इसकी वजह से सरकार को 400 करोड़ रुपए का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। और एमडीयू के अंदर जो 97 प्रोजेक्ट इन्होंने पास कराए थे उसमें सिर्फ 37 प्रोजेक्ट पूरे हो गए। तो इतनी ज्यादा खामियां हैं कैग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी, अगर आप एक एक का खुलासा करने बैठेंगे तो सरकार का सारा काला चिट्ठा जो है। संजय शर्मा जी, सरकारी कंपनियों ने 5,725 करोड़ का घाटा दिया। हाँ, तो इसलिए ये बात ठीक है कि जो सफेद हाथी बन चुके हैं सरकारी कंपनियां और सरकारी उपक्रम भी, पिछली सरकारों के समय जिस तरह का उनकी कार्यप्रणाली रही, इसलिए हमने इस बार के बजट में भी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने एक सरकार का ही इन्हीं जो उपक्रम है, सरकारी उपक्रम है, इनका अपना फाइनेंशियल बैंक खोलने का प्रावधान किया है। वो इसीलिए किया है
क्योंकि जो बैंकों में पैसा जमा करा करके जो उसका लाभ 2016-17 की जो कैग की रिपोर्ट आई है आपकी सरकार के दौरान की या पिछली सरकार के कार्यकाल की है, उसी आधार आपकी सरकार के कार्यकाल की जो कैग की रिपोर्ट आई थी, मैं कह रहा हूं कि जो कैग की रिपोर्ट आई थी उसी आधार पर सरकार ने अपना फाइनेंशियल बैंक शुरू करने का प्रयास इसलिए तो किया है ताकि ये अनियमितता ना हो, सब चीजों में पारदर्शिता आए, सब चीजों में ठीक दिशा में हम आगे बढ़े। सरकार इस दिशा में काम कर रही है, इसी का कारण जैसे अभी राजेंद्र जी ये बात कह रहे थे कि सिंगल टेंडर की बात है। देखिए आप देखिए 2014 से पहले टेंडरिंग प्रणाली क्या होती थी, सारी टेंडरिंग प्रणाली वो सीलबंद मोहर के द्वारा होती थी, मैनुअल होती थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए ऑनलाइन टेंडरिंग सिस्टम शुरू किया। ऑनलाइन टेंडर में किसी को नहीं पता कि किसने कितना रेट बढ़ा है, कितना किसने उसमें टेंडर के लिए फीस अपना रेट रखा है, तो अब जब किसी को पता ही नहीं होगा तो किसी को चेंज करने की संभावना नहीं रहेगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी। जो भी व्यक्ति कम से कम रेट उसके अंदर भरेगा तो ऑनलाइन है, कंप्यूटर पे है, तो इसी तरह से बिल्कुल इसका नया क्या है, सिल्वर लिफाफे में जो दिया जाता है उसमें नया क्या है, सिल्वर लिफाफे में पहले भी दिया जाता रहा उसमें नया क्या है, इसका उत्तर मैं देता हूं। जो मैनुअल होता है मैनुअल को आप कभी भी बदल सकते हैं, ऑनलाइन में भले ही सामने दिखेगी सिल्वर लिफाफे में नहीं रहेंगे, उसमें नया नहीं है, ढूंढना बताइए। इसका उत्तर मैं देता हूं, इनके इनके ऑनलाइन टेंडरिंग का मैं आपको उत्तर देता हूं। ये मामला मैंने कोर्ट में भी देखा था, सुनने में आया था एक मामले के अंदर, स्पष्ट बताता हूं, जो इनकी फेवरेट कंपनीज हैं वो हमेशा लास्ट में ऑनलाइन टेंडर अप्लाई करती हैं, बैक एंड से उन्हें ये बता दिया जाता है कि इस समय पर कितना रेट है। अरे सर ऑनलाइन वहां पर सर्वर में जा रहा है, बैक एंड पे चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ आखिरी सेकंड्स के अंदर भी अप्लाई होते देखे, आखिरी सेकंड्स में भी अप्लाई करने वाले देखे, इनकी जितनी भी कंपनीज हैं आप देखेंगे पैटर्न भी देख लेंगे, जिनको टेंडर अलॉट हुई है वो कंपनी है जिन्होंने लास्ट स्टेज पे जाकर के अप्लाई की है, इस कारण से क्योंकि उनको पहले से पता होता है। कंपनी आपको दिखा दूं जिन्होंने टेंडर भरा है, जो कांग्रेस के नजदीक लोगों की है, कांग्रेस के लोगों की है, आपके इंडियन नेशनल लोगों के भी कांग्रेस की नजदीक है, वो बात ये है कि आपके आपके लोगों के लोग बात करें, इस सरकार ने, मैं ऑनलाइन टेंडर के बता रहा हूँ, भाई भतीजावाद इस सरकार ने समाप्त किया है, इस सरकार ने नहीं तो ऑनलाइन टेंडरिंग का बताता हूँ, कांग्रेस ऑनलाइन की बात बता दूं कि ऑनलाइन टेंडर जिस सॉफ्टवेयर कंपनी को दिया गया इसको प्रिपेयर करें, उसको 65 लाख के करीब पैसे दिए गए और उसने आज तक पूरा नहीं किया, ये कैग की रिपोर्ट में है, ये तो ऑनलाइन टेंडर का कमाल है। क्या मतलब ये बिल्कुल ये सर कैग ने कहा है, ऑनलाइन टेंडरिंग हो रही है ना, अरे हो रही है, जिस मैं ये बता रहा हूं जो कैग ने कहा है कि उसको 65 लाख रुपया दिया गया और उसने आज तक, ये कहते हैं जो ऑनलाइन के बारे में स्पेशली उन्होंने वर्ड यूज किया कि इम्प्रॉपर प्लानिंग हुई ऑनलाइन इसमें ठेके में, और उसमें क्या हुआ कि एक फर्म को ठेका दिया गया कि इसका सॉफ्टवेयर क्रिएट करेगा, उसको 65.5 लाख रुपया दिया गया, उसने 3 साल में आज तक वो सॉफ्टवेयर नहीं बना के दिया, तो कैसे तो ऑनलाइन हो रही है, ये ऐसा नहीं है, वो ये तो आपकी सरकार बताएगी, ये कैग देखिए एक सेकंड मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए एक डॉक्टर साहब इसको आप थोड़ा सा आप बताइएगा, मैं और भी एक सवाल दे रहा हूँ आपको बताइएगा, और एक इन्होंने कहा कांग्रेस के आदमी, कांग्रेस के तो एमएलए एमपी भी ले रहे हो आप, तो कांग्रेस फैक्ट बताता हूँ, देखिए बिजली वालों में क्या हुआ कि सरप्लस बिजली हो रही थी और इन्होंने बिजली खरीदी, अच्छा उसके अलावा क्या था कि जब बिजली खरीदी गई तो 3 प्लांट बंद किए गए जिनको शुरू करने में 33 करोड़ रुपया खर्च हुआ, और जो अगर वो करते रहते जिससे आमदनी होती तो 11 करोड़ होता, ये भी कैग की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। अच्छा उसी तरह सौर ऊर्जा के मामले में भी उन कंपनियों को टेंडर दिए गए जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, दिस इज नॉट माई रिपोर्ट, दिस इज रिपोर्ट बाई द कैग। बिल्कुल देखिए जो एक और बात बता दूं, ये सोलर एनर्जी वाला जो है वो ज्यादातर इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ही कंपनीज, आप उनको चेक करवा करके देख लीजिए, कहीं भी हरियाणा में किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बहुत से लोगों को मैं जानता हूं, निजी रूप से बताऊंगा नहीं, इनके तो टीवी पे भी चमकते रहते हैं वो लोग, तो खैर हाँ खास बात मैं आपको बता दूं एक कि एक ई ऑक्शन का हुडा था, घोटाला भी गुड़गांव का सामने आया था, उसके आपको मैं बता दूं केवल 2 दिन का टाइम दिया गया ई ऑक्शन के लिए, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए हुडा के प्लॉट,
और केवल कुछ ही कंपनियां उसके अंदर अप्लाई किया और कुछ ही लोगों ने अप्लाई किया, कम से कम 10 जो है प्लॉट मिनिमम रेट के ऊपर जो है उनको अलॉट कर दिए गए, केवल 2 दिन का ई ऑक्शन का टाइम। आप इमेजिन करिए किस प्रकार के घोटाले कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि टाइम फ्रेम बहुत कम रखेंगे, फरीदाबाद का एक मामला था जो कि केवल दो सेकंड का मामला जो है हाईकोर्ट में अभी भी चल रहा है, जहां पर 2 सेकंड के डिफरेंस के ऊपर जो है इनको सरकार को वहां पर कोर्ट में टाइम निश्चित है, अगर 7 बजकर टाइम निश्चित क्लोज के बाद में वही डेढ़ सेकंड इनका फाइनल बंद होने के बाद में हुआ है, कोई भी भर सकता है ना। नहीं, अरे मैं कह रहा हूँ आपका ऑनलाइन जो है समय खत्म होने के बाद में अप्लाई किया एक बंदे ने 1.5 सेकंड बाद में। बिल्कुल, हरियाणा सरकार का सच से सामना हुआ है। क्या रिपोर्ट पेश की गई 2016-17 में, क्या कुछ हुआ ये साफ बता दिया गया। विकास को लेकर, सरकार की परियोजनाओं को लेकर, तमाम विभागों में तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर कि विकास की गति धीमी है, साथ ही टैक्स को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। अब दर्शक हमें फोन कर सकते हैं, बता सकते हैं इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ हैं, वीरेंद्र हैं, जींद से जुड़े हैं, इसी मुद्दे पर राय क्या है आपके। ज्योति जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आज मुद्दा थोड़ा एक मुद्दे से हटकर आपको बात बताता हूँ। परसों संजय चौहान बीजेपी के प्रवक्ता बैठे थे आपके टीवी चैनल पर, उन्होंने मेरे से सीएम इंडो की शिकायत के नंबर मांगे थे, मैंने उसको सीएम इंडो की शिकायत के नंबर भी दे दिए, लेकिन उन्होंने कहा आज तक 3 दिन हुए कोई जवाब नहीं आया। वो इतना उछल रहे थे कि यहाँ चैनल पर बैठ के कि एक बार मेरे को सीएम इंडो, ठीक है संजय आहूजा जी का नंबर हम आपको देंगे, क्योंकि आपका नंबर हमने लिया था। इस मुद्दे पर है आपके पास राय कोई कैग को लेकर? इस मुद्दे के बाद इस सरकार ने इस हरियाणा प्रदेश को इतने पीछे धकेल दिया कि मतलब जो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फोन कर सकते हैं क्या की रिपोर्ट को लेकर 2016-17 में जितने विकास कार्य होने चाहिए थे उनको लेकर आप फोन कर सकते हैं। संजय शर्मा जी, 10,542 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज देने में चले गए सरकार के। नहीं, ये जो ब्याज दिया जा रहा है ये केवल हमारी सरकार के समय का नहीं है, ये ब्याज पहला भी है। और उसका मुख्य कारण क्या है, वो उदय योजना है। क्योंकि पिछली जो बिजली कंपनियां थी उन बिजली कंपनियों का घाटा 26,000 करोड़ रुपए का हो गया था, 35,000 करोड़ का होगा, जिसमें से 26,000 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार को देना पड़ा। मुख्य कारण वही घाटे का है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और इसका परिणाम आज ये है कि हमने बिजली सस्ती की है, पहली बार 35 पैसे सस्ती बिजली हुई है। दूसरा विषय है कि 24 घंटे बिजली आज ग्रामीण क्षेत्र में आप जा सकते हैं, हरियाणा के 10 जिले ऐसे हैं जिसमें आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी। ये हमारी सरकार ने करके दिखाया, पिछली सरकारें जो है, आप जो कह रहे हो ना कि 10,000 करोड़ इसमें देने पड़ते हैं, इसका कारण है कि उदय योजना में हमने जो पिछली सरकारों का घाटा था उसको देना पड़ा, इसके कारण से 2016-17 में वो घाटा दिया गया जिसके चलते ये ब्याज दिया गया। जी, एलआर शर्मा है अम्बाला से फोन लाइन पर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। हाँ मैम, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रहा हूँ, डॉक्टर संजय शर्मा जी से। उनसे ये पूछना कि इस बजट में काफी अच्छा हो सकता है, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों को भी कुछ दिया है क्या? बजट को लेकर सवाल। शर्मा जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बजट के अंदर सवाल करें, केंद्र सरकार भूतपूर्व सैनिकों का जो बजट है वो केंद्र सरकार देती है, प्रदेश सरकार नहीं देती। केंद्र सरकार के अंदर ये मामला आता है, प्रदेश सरकार के नहीं आता है। प्रदेश सरकार तो हरियाणा के कर्मचारियों को, हरियाणा के पेंशनर्स को, हरियाणा के लोगों को वो दे सकती है, उसके आधार पर इस बजट के अंदर प्रावधान किए गए हैं। 7वां वेतन आयोग हरियाणा सरकार ने ही लागू किया है और जिसके कारण से सब लोगों को लाभ मिला है। वो किसी को जो खामियां सामने आई है रंजिता जी, 2,483 करोड़ रुपए ले लिया गया कर हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के तहत और समेकित निधि में इसको जमा नहीं करवाया गया, जिसको लेकर सवाल पूछा गया। मैं वही तो बात कर रही हूँ ज्योति, कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है, ये किस किस को ढकेंगे। कहते हैं कि चादर उठाओ पेट तो खुद का ही नंगा होता है। आज हरियाणा की इन्होंने वो स्थिति कर दी है, डेवलपमेंट के नाम पर तो जीरो है और कर्जे के नाम पर हम हर रोज कर्जा ले रहे हैं, उधार लेके घी पी रहे हैं और उसको हजम कैसे करेंगे। वो कर्जा जो आम जनता हरियाणा की जनता है वो उसकी जेब से जा रहा है, 3-3 बार प्रदेश को जला देते हैं, 200 करोड़ रुपया बटालियों को यहाँ पर मंगाने के लिए दे देते हैं। तो आप हरियाणा की स्थिति समझ सकते हैं, ना केवल जो स्टेट है सेंटर के ऊपर भी बहुत ज्यादा सवाल जो है कैग की रिपोर्ट। चलिए दर्शक है हमारे साथ स्वरूप सिंह है रेवाड़ी से फोन लाइन पर जुड़े हैं, राय क्या है आपकी कैग की रिपोर्ट को लेकर। हेलो जी, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय दीजिए। जी मैम, मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार है जैसे कोई भी टेंडर 2-2, 3-3 बार पास देती है, उसके बाद में जैसे यहाँ पे लिसाना में मत्स्य बीज फार्म है उसका टेंडर अब पूरा हो जाना था मार्च अप्रैल तक, काम भी शुरू नहीं हुआ, उसमें फिर सरकार को ब्याज तक देना पड़ता है। इसी तरह की खामियां हैं जिनको लेकर चर्चा हम कर रखे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मंजीत जीन से फोन लाइन पर जुड़े हैं, मंजीत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार।
मेरा संजय शर्मा जी से सवाल है, गरीबों और दलितों के लिए क्या योजना है जो कांग्रेस सरकार में चल रही थी जी? गरीबों के लिए ऐसा क्या ले गए हैं? ना कोई 600 गज के प्लाट दिए हैं, जितने भी डिपुओं में राशन मिलता था वो चले दिया। शुक्रिया आपका दर्शक, बाकी जुड़ेंगे हमारे साथ, उससे पहले चर्चा थोड़ी हम कर लें। ब्याज को लेकर सवाल किया गया, साथ ही टैक्स को लेकर सवाल किया गया। संजय शर्मा जी, 2483 करोड़ रुपए समेकित निधि में जमा नहीं करवाया गया, ये टैक्स ले लिया गया। अभी जो जींद के दर्शक ने सवाल किया था, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि भाई हमने आपका जो पैसा था, गरीब आदमी का जो पैसा था, वो डायरेक्ट उसके खाते में भेजना शुरू किया है। पिछली सरकार के समय जैसे आप पीडीसी सिस्टम कर रहे थे, जो राशन कार्ड के द्वारा आपको सामान मिलता था, उसमें 275 करोड़ रुपए हमने प्रदेश सरकार के बचाए हैं, जो लोगों को मिलना चाहिए था और अधिकारियों के या कर्मचारियों के जेब में जो जाता था। ऐसे ही टैक्स को लेकर संजय शर्मा जी, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंदर 60 करोड़ रुपया अभी भी पेंडिंग है। एक्साइज और टैक्सेशन में हमें 60 करोड़ रुपया अभी भी वसूली पेंडिंग है। संजय शर्मा जी, क्या आप जवाब देंगे 2483 करोड़ रुपए को लेकर, जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि टैक्स ले लिया गया लेकिन समेकित निधि में जो जमा करवाया जाना चाहिए था वो नहीं करवाया गया, क्या की रिपोर्ट में साफ लिखा है? देखिए ज्योति, मैंने कहा कि मैंने देखो सरसरी तौर पर इसको रिपोर्ट को देखा है, मैंने पूरा उसको अध्ययन नहीं किया है किस किस डिपार्टमेंट से क्या क्या है। मैं इसके बारे में पूरा तथ्यों के हिसाब से तो बात नहीं कह सकता, लेकिन मुख्य रूप से मैं ये बात कह सकता हूँ कि हमारी सरकार की नीति और नियत साफ है। हमारी सरकार की जो सोच है वो विकास की सोच है। हमारी सरकार की सोच सबका साथ सबका विकास की है। हम एक समान विकास पूरे हरियाणा में कर रहे हैं। और अभी आज आप देखोगे ज्योति, आज आप देखोगे 6000 से ऊपर क्लर्कों की भर्ती हमने की है। सिर्फ वैट की वसूली ऐसा है कि गरीब आदमी के घर में भी हमने उजाला किया है। आप लोग हमने नौकरी मेरिट के आधार पर हर व्यक्ति को हमारी नीयत है, हमारी सोच है। लेकर कांग्रेस सरकार उस वक्त गंभीर नहीं थी जिसके चलते खजाना खाली हुआ, लेकिन आप कितने गंभीर हैं इससे साफ होता है इस रिपोर्ट से। देखिए ज्योति, पिछली सरकार के दौरान लगभग 10,000 करोड़ का वैट का जो है घोटाला हुआ था, रिफंड का, आपको ध्यान में होगा। बहुत सारे अफसरों ने मिलकर के किया था, उसमें बहुत लोगों के बीच में इन्वॉल्वमेंट भी थी, राजनीतिक स्तर पे भी रही होगी। 28 FIR हाईकोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या कैग यदि इस चीज को चेक कर ले, उन 10,000 करोड़ में से अगर एक छोटा पैसा भी उन्होंने रिकवर किया हो तो उस वैट रिफंड घोटाले के अंदर से, तो ये 2,000 करोड़ तो अब का आ रहा है, 2,500 करोड़ का भी अब का आ रहा है, 2,500 करोड़ का, 10,000 करोड़ की तो पिछले साल की रिकवरी, पिछली सरकार की पड़ी हुई है इनकी। फसल बीमा योजना के तहत इन्होंने तो बड़ा ओवर पेमेंट की है, तो ये कौन सा विकास है? 28 FIR जो है हाईकोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद होने के बावजूद भी आज तक एक छोटा पैसा किसी भी कंपनी से है वैट रिफंड का अभी तक इन्होंने जो है रिकवर नहीं किया। संजय शर्मा जी से जवाब ले लेंगे, उससे पहले विवेक है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विवेक स्वागत है आपका बड़ी बात में। विवेक चर्चा में जुड़ चुके हैं, सवाल कीजिए। हेलो जी, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, सवाल कीजिए सर। हेलो नमस्ते जी। जी नमस्कार। ऐसा है जी, मेरा संजय शर्मा जी से है जी। हेलो जी, पूछिए, सवाल कीजिए। शर्मा जी, ऐसा है नरवाना के अंदर उड्डा की 6 दुकानें एक ही परिवार को दे दी गई, वो कैसे दी गई? 27-27 लाख में दी गई है जी। और उनकी कीमत आज करे तो 70 लाख रुपए की है। एक ही परिवार को दे दी गई, उसकी इंक्वायरी हुई बड़ी जबरदस्त ढंग से, ऑनलाइन कर दिया, मुझे पता नहीं लग गया बिहार ओनली हुई थी शहर के अंदर, बिल्कुल बगैर लोड स्पीकर खिलना चाहिए। मैं हूँ 50 लाख का गाक दी एक दुकान का, जबकि 24-25-27-28 लाख रुपए वो दे दी, वो कैसे दे गई है? इंक्वायरी हो जवाब लेंगे। इससे पहले मणिराम क्या कहते हैं वो सुनते हैं एक बार के लिए। मणिराम जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। नमस्कार जी। सर मैडम, मेरा संजय शर्मा जी, तो मैडम इन्होंने ये मीटर बॉक्स सरकार ने दिए थे जी, तो लोगों को लगाने के लिए दिए थे मैडम, ये हमारे घर पे हमारे गांव में पड़ी 2-3 घड़ी तो पैसा बर्बाद हुआ मैडम। शुक्रिया आपका बड़ी बात में जुड़ने के लिए। तो लगातार दर्शक सवाल कर रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में, सीधे सवाल कर सकते हैं। संजय शर्मा जी, सवाल ये भी उठता है कि पिछले सालों की जो कैग की रिपोर्ट आई, करप्शन को लेकर जो बातें निकलकर सामने आई, उस पर कितना एक्शन बीजेपी ने लिया? कांग्रेस के वक्त की बात कर ली जाए या फिर आप लोगों की अभी बात कर ली जाए, जिस तरह से 2015-16 की बात की जाए, तो कितना एक्शन लिया गया
वो जवाब दीजिए। ज्योति आप ये देखिए कि जब से हमारी सरकार आई है अक्टूबर 2014 से हरियाणा के अंदर, आप एक भी कोई ऐसा मुद्दा तो निकालिए जी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा हो। ये भगवान बात तो सुन लीजिए आप, हालांकि कांग्रेस सरकार के वक्त भी इसी तरह की रिपोर्ट सामने आती रही, कांग्रेस की ओर से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। रिकवरी ना करना भी भ्रष्टाचार है, जैसे ये लोग अभी रिकवरी ना करना भी भ्रष्टाचार है। एक भाई ने और मीटर्स की बात की, अगर ये लोग भ्रष्टाचार है, आश्वासन देता हूँ कि इनकी उस जो एप्लीकेशन होगी 47 बच्चे एक ही एरिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगाना भ्रष्टाचार है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार किसी को बचाने वाली नहीं है, चाहे सरकार का कोई आदमी हो चाहे पार्टी का आदमी, की जाएगी कार्रवाई कितनी गई सवाल ये क्या तक आ जाए। देखिए बात ये है, सरकार की मंशा कभी नजर नहीं आई कि कैंची रिपोर्ट को गंभीरता से लिया गया, कोई एक्शन लिया गया। ऑनलाइन क्यों किया गया कि कुछ पढ़े लिखे व्यापारी लोगों को फायदा हो जाए। अभी आपके सामने 6 दुकानों की बात आ गई 50 लाख में, फिर ये कहते हैं कि सीएम विंडो पे, आज भी टीवी पर आपके टीवी पर भी चला था, गुड़गांवा के एक व्यक्ति ने गौशाला के लिए 7.5 एकड़ जमीन के घोटाले की बात बताई कि वहाँ फ्लैट बना के बेच दिए गए, उसकी शिकायत पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं कैग की रिपोर्ट पर ही आता हूँ, उसमें 3 पॉइंट हैं। एक तो एक तरफ तो कैग ये कहती है कि जो फायदा पहुंचना था लाभकारी स्कीमों का वो इसलिए नहीं पहुंचा कि विज्ञापन नहीं दिए गए, 47 करोड़। दूसरी तरफ देखिए आप, वो कहते हैं कि विज्ञापन कहाँ दिए गए, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, उनको ये बताने के लिए कि जैसे गुजरात मॉडल था या हरियाणा मॉडल, क्योंकि वहां रहा है, वहां विज्ञापन देने का लाभकारी योजनाओं का क्या फायदा है। दूसरी बात आपको बताता हूँ, CST जो है वो 100 कुछ करोड़ रुपया वापिस किया गया ठेकेदार व्यापारियों को, उनसे जो पेपर लेने थे कि उनको एग्जम्प्ट है वो नहीं लिए गए, तो वो गलत हुई। इसके बाद आप ये देखिए कि बिजली कंपनियों ने 164 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, उसका इस्तेमाल नहीं किया, हुडको से 188 करोड़ रुपए उधार लिए और उस वो फॉरेस्ट की जमीन खरीद ली। अब फॉरेस्ट की जमीन लेने से उसको इस्तेमाल नहीं हो सकता, कुछ नहीं किया जा सकता, उस पर हर साल 20.3 करोड़ रुपया ब्याज दे रहे हैं हुडको को। आप ये देखिए ये कितनी बड़ी खामियां हैं उन अधिकारियों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने किया, क्या किया इन्होंने। बिल्कुल, लेकिन अनिवार्य कतई नहीं है और इसी की परेशानी ये है कि अनिवार्य ना होने के चलते सरकारी एक्शन नहीं लेती, कि कोई लीगल एक्शन लिया जाना कतई जरूरी नहीं है। अशोक है हमारे साथ करनाल से, फोन लाइन पर जुड़े हैं। अशोक राय क्या है आपकी? नमस्कार जी। जी नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि ये करनाल में इन्होंने साइकिल के लिए स्टैंड बनाए थे जिन्होंने कम से कम ज्यादा नहीं तो 5 लाख रुपए खर्च आया होगा और कई जगह बनाए थे इन्होंने करनाल में, ठीक है मैम। तो मेरा सवाल है संजय शर्मा से, अब उनको उखाड़ा जा रहा है, वो बेफजूल किया जा रहा है पैसा, पहले साइकिल स्टैंड बनाए गए हैं करनाल में, उसके बाद उनको खोड़ के दोबारा से फिर सड़कें बनाई जा रही है, ये चीज ये पहले कर देते 3.5 साल बाद पहले जब आई छोटा जवाब दे दीजिए। वो स्थानीय मुद्दा है, जो ऐसा होगा तो उसकी जानकारी लेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन दूसरी बात में ज्योति कहना चाहता हूँ, देखिए इधर के पांडे सुनिए तो सही, हमारी सरकार ये जो कैग की रिपोर्ट आई है, देखिए इसके अंदर जो भी खामियां हैं, जो भी जिन अधिकारियों की तरफ उंगली उठाई गई है या जिन लोगों ने भी सरकार के योजनाओं के आधार पर काम नहीं किया, वो कोई भी व्यक्ति होगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को भी, कि हम इस हमारे मुख्यमंत्री इस सारी रिपोर्ट को खुद अध्ययन करेंगे और इसके अंदर जो भी खामियां हैं, जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त होगा, जिसने भी अपने काम में कोताही बरती है, जिसने भी अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक से नहीं किया, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपके सरकार के वक्त भी इसी तरह की रिपोर्ट आती रही, घोटाले का भी जिक्र किया गया अभी पैनल पर, तो आपकी सरकार के वक्त भी हालात बहुत अच्छे रही थे कैग की रिपोर्ट की अगर बात कर ली जाए, गंभीरता से उस वक्त भी नहीं लिया गया था, लेकिन दुखद यह है कि बीजेपी भी इस वक्त कैग की रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं ले रही। देखिए ज्योति जी, जहां तक सेंटर की बात है और स्टेट की बात है, कैग की रिपोर्ट ने मोदी सरकार और खट्टर सरकार का पोल खोलने का काम किया है। आप ये देखिए कि ये कहना कैग की रिपोर्ट में कि सेना को खाना दिया जाता है, और अपील ये है कि कैग की रिपोर्ट को लेकर ही आप सवाल करें या फिर राय दें। आर के कालिया है अम्बाला से, फोन लाइन पर जुड़े हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये
भाजपा वाले जो अपना गुणगान कर रहे हैं, अपने मुंह मियां मिठू वाली बात होगी, स्वच्छता अभियान पर करोड़ रुपए खर्च किया गया, कहाँ है सफाई, कहाँ है स्वच्छता। और दूसरी बात ये, मैं अपनी पर्सनल बात करना चाहूंगा, प्रेम नगर अम्बाला सिटी मॉल टाउन के पास कुत्तों का इतना आतंक है, हमारा कुत्तों का इतना आतंक है। स्थानीय समस्याएं हैं, इसको लेकर फिर कभी कार्यक्रम करेंगे, देश की आवाज में इस मुद्दे को हम उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्वच्छता का जिक्र किया गया, जादौन साहब आपसे सवाल है, सार्वजनिक शौचालयों की अगर बात कर ली जाए, 2571 लोगों को बिना किसी भी जांच या फिर बिना किसी भी पड़ताल के पैसे आवंटित कर दिए गए, पेमेंट उनको कर दी गई। देखिए ये स्वच्छता अभियान का जो शुरुआत है और वो एक प्रोग्राम जो लेके आए वो तो एक अच्छी भावना थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही डिफेक्टेड दिखाई देता है। जिस तरह से डिक्लेयर किए गए कि हमने जो है ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिए गए, तो वो उनमें बड़ी खामियां दिखाई देती हैं। और कैग ने तो तमाम जो है लंबी फहरिस्त दी है, ये सवाल स्वच्छता अभियान को लेकर ही जो हुई गड़बड़ी और पेमेंट कर दिए गए, इसके अलावा भी तमाम पेमेंट इस तरह से किए गए हैं कि जैसे फ्रॉडुलेंट पेमेंट हो गए, जालसाजी, गलत बिल बना के और फर्जी बिल बना के, फर्जी फर्म के नाम से भी पेमेंट हुए, वो भी कैग में मेंशन है। और कैग की रिपोर्ट के प्रति कितने मेंशन है, एक जो घोटाला हुआ था कैग ने उठाया, जो गैल वैल्यूम परचेज घोटाला था एक हरियाणा का वेयर हाउस कॉरपोरेशन के लिए, तो वो घोटाला कैग की रिपोर्ट में आया और फिर जनलेखा समिति जो इसको एग्जामिन करती है इन सारे आक्षेपों को, उनके पास गया और उन्होंने क्लीन चिट दे दी। कांग्रेस के MLA है एक रघुवीर सिंह कादियान, उनसे इस बारे में बात की जानी चाहिए, उनको क्लीन चिट दे दी, उन्होंने विरोध दर्ज कराया कि ये क्लीन चिट नहीं दी जा सकती और हम विरोध दर्ज करा रहे हैं, लेकिन उसको अमान्य करते हुए भी क्लीन चिट मिल गई सरकार में। तो ये तो बहुत गंभीर बात है कि ये सरकार की नियत का फिर कहते हैं गंभीर बात है कि अधिकारियों ने तो कर दिया और सरकार तो पीजीआई रोहतक को लेकर चर्चा करेगी। गलत साबित हो रही है ना, मास्टर योजना बनाई गई पीजीआई रोहतक को लेकर, ना किसी तरह की वार्षिक योजना तैयार की गई, जो स्वास्थ्य उपकरण खरीदे गए उनमें भी एक कहे की धांधली पूरी देखी गई, जिसके चलते बहुत ज्यादा जो थी धांधली यहाँ पीजीआई के अंदर इस जगह पर इक्विपमेंट खरीद में नहीं है, ऐसा पूरा का पूरा उन्होंने एक इमरजेंसी वार्ड शुरू कर दिया जहां पर इक्विपमेंट सभी शुरू भी नहीं खरीदने का, इनका प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं करी। ये हेल्थ डिपार्टमेंट की मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 3 साल से लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट की टेंडरिंग प्रक्रिया सबसे ज्यादा फेल और फ्लॉप जो है, हमारे निष्पक्ष पत्रकार महोदय भी बता देंगे, सबसे ज्यादा फेल जो टेंडरिंग है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की है, ना तो वहां पर टेंडर पूरे हो पा रहे हैं और ना ही वहां पर जो प्रॉपर टीम वर्क है, इसके कारण जो है आपके मरीज जो है उनका हाल बहुत बहुत मिनिमम जो जिसको कह सकते हैं मिजरेबल हालत में जो है, वहाँ पर मरीज है। तो ये एक सच्चाई है हेल्थ डिपार्टमेंट की, चाहे वो पीजीआई की हो, चाहे आपका अंबाला हो, चाहे आपका कहीं भी हो। 57 करोड़ की चपत लगाई गई है जिनका कोई उपयोग नहीं बनाया जाने के लिए। ट्रॉमा सेंटर पीजीआई इतना बड़ा बना दिया, वहाँ पे फ्रॉड चल रहा है, बिना फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स के ट्रॉमा सेंटर आरंभ कर दिया, जिम्मेदारी किसकी है? वार्षिक योजना तैयार नहीं की जाएगी। संजय शर्मा जी, अगर वार्षिक योजना है तो वो तो आपके ही कार्यकाल का एक साल है, उसकी योजना तैयार की जानी है क्या? उसको लेकर विपक्ष को पूछेंगे। जिन व्यवस्थाओं का हमने परिवर्तन किया है उनको भी देखिए ना, हरियाणा के अंदर जो हॉस्पिटल्स थे उनकी बिल्डिंग्स का क्या हाल था, आज हरियाणा की हॉस्पिटल के नाम का PSC सेंटर खुल रहे हैं, गांव-गांव के अंदर आधारभूत गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं हरियाणा में, उनका जो माहौल जिस तरह का माकूल होना चाहिए वो भी नहीं है, ये क्या रिपोर्ट में पेश किया गया? हाँ तो ये आपके थोड़े लिखे हुए हैं, हमने इसलिए हमारी सरकार ने आने के बाद उन सब लोगों से एप्लीकेशंस मांगी है कि जो बिना मान्यता से चल रहे हैं उनको एक एक चांस दिया गया है। संजय शर्मा जी, अगर कांग्रेस के जैसा ही चलना था तो सत्ता परिवर्तन के मायने क्या है, आप लोगों के सरकार में आने के मायने क्या है? कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपने घर में स्वास्थ्य विभाग को लेकर, शिक्षा विभाग को लेकर या फिर किसी भी विभाग को लेकर बात करनी चाहिए। मैं एक उदाहरण दूंगा कि कैग रिपोर्ट में ये कहा गया कि 7 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के लिए बिल्डिंग बनाई गई, 2 साल से खाली पड़ी है, 5 चालू नहीं हुए।
अब ये देखिए कि ये एक नई, वो एक तो कहते हैं कि हर जिले में हम वो बनाएंगे मेडिकल कॉलेज, और फिर हर डॉक्टर तो सिविल अस्पताल में पूरे नहीं, हाँ। वहां कहां से लाएंगे, फिर एक हेल्थ यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, और एक हेल्थ यूनिवर्सिटी जो है, अरे मेरी बात, मेरी भी बात पूरी, हाँ मैं वो भी, आप कहिएगा जवाब की बारी है। मैं ये कहता हूँ कि वो जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो 5-2 साल से खाली पड़े, क्यों नहीं किए गए, और जो एक हेल्थ यूनिवर्सिटी, एक हेल्थ, वो बिल्डिंग कब बनी थी, जब भी बनी है, 2 साल से, आप बताइए ना, तो दो साल से खाली पड़ी है ना, तो पिछली सरकारों को पॉलिटेक्निक तो आप नहीं कह रहा हूँ, समाधान हो जाएगा चीजों का, सुधार किया, हाँ मैं बताता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने आसमान से तारे तोड़ के 2013 हमने व्यवस्था को पहले से सुधारा है, अरे पहले से बेहतर किया है, अरे एक मिनट जी, 2013 में शुरू हुई वो पॉलिटेक्निक बिल्डिंग, 2014 में पूरी हुई, उसके बाद हालांकि सरकार पर किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है कि एक्शन लिया जाए किसी भी बात को लेकर, लेकिन क्या सरकार से उम्मीद की जा सकती है इस रिपोर्ट को गंभीरता से लिया जाए? कह रहा हूं कि हम इस रिपोर्ट को पढ़कर पूरा, हमारे मुख्यमंत्री जी भी, हमारे मंत्री भी, और इसमें जो जो खामियां, जो खामियां इसमें है, जिस भी अधिकारी के कारण से, जिस भी कर्मचारी की, जिसकी कर्मचारी की निष्क्रियता के कारण से जो चीजें पूरी नहीं हुई, जो बजट पूरा नहीं लगाया, शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो चर्चा ये की सच से सामना करवा दिया गया है हरियाणा की मनोहर सरकार का, और कितनी गंभीरता से इस रिपोर्ट को लिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। We'll be right back.